दिल्ली नगर निगम के अस्पताल के डॉक्टर पिछले 4 महीने से वेतन ना मिलने को लेकर परेशान हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का आरोप है कि सरकार इन कोरोना योद्धाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो क्या फ़ायदा। इसी को लेकर जंतर मंतर पर इन डॉक्टरों ने MCD को चोर कहा। डॉक्टरों ने कहा कि इन राजनेताओं के चक्कर में डॉक्टर पिस रहे हैं। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा कि MCD इनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक तरफ तो इन डॉक्टरों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया जा रहा है और दूसरी तरफ वेतन नहीं मिल रहा। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान इन योद्धाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। यहां तक कि दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों के लिए 1-1 करोड़ का मुआवजा भी देने का वादा किया था, पर 4 महीने से इन कोरोना योद्धाओं को वेतन भी नहीं मिल रहा। इन डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इन लोगों के घर को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इनको सैलरी नहीं मिल रही है। डॉक्टरों की माने तो बहुत से डॉक्टर वेतन के चलते प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और डॉक्टरों को किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं, सभी का इलाज करते हैं। पिछले 5 महीने से 1 महीने का भी वेतन नहीं मिला, जिसके कारण इनको घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं जब दिल्ली नगर निगम के डॉक्टरों का कहना है कि 3 महीने नहीं बल्कि 4 महीने की सैलरी बाकी है, लिहाजा अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार डॉक्टरों के प्रदर्शन के बावजूद सरकार इनकी बातों पर कब तक ध्यान देती है। पेंडेमिक में जो हम लोग वॉरियर हैं, मैं खुद एक डॉक्टर होके मैं पॉजिटिव हो गया था और 18 दिन 17 दिन जो क्वारंटीन के बाद हमें उसकी भी सैलरी रोक दी गई थी। आप सोचो अगर मैं बाहर हूँ, रेंट पे हूँ, तो महीने में रेंट तो देनी होगी, तो मकान मालिक कितने दिन, 1 महीने सहेंगे, 2 महीने सहेंगे, बाद में कहेंगे भैया जाओ। तो मैं पेशेंट सेवा कर रहा हूँ, पेशेंट सेवा में कोई रुकावट नहीं आई है, इमरजेंसी हमारी चालू है। लेकिन जहाँ तक बात है सैलरी की, आप ही सोचो विदाउट मनी आप घर कैसे चलाओगे। सर का मकसद नहीं है, चोर इसलिए बता रहे हैं कि सर हमारी सैलरी 4 महीने से नहीं होगी। आप समझ रहे हो कि पैंडेमिक का टाइम है, 4 महीने किसी को भी सैलरी ना मिले तो उसके लिए अपना घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और आप बाकी काम कर रहे हो, रंगाई पुताई के लिए आपके पास टाइम है, आपके पास नहीं बिल्डिंग बनाने का सब के लिए पैसे हैं, लेकिन डॉक्टर्स हेल्थ के वर्कर्स के को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो हम क्या सर, हम यही सोचेंगे ना कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो चोर है, क्योंकि उन्हें बाकी काम के लिए पैसे हैं, जो बेसिक राइट होती है इंसान की एक सैलरी देने की, वो आप डिनाई कर रहे हो। मतलब कारण यही है कि बस तनख्वाह, हमको किसी को कुछ बोलना नहीं है, हमको हमारी तनख्वाह चाहिए, बस यही हमारी मांग है। हमारी खाली 2 ही मांग है, हमारी जो पुरानी सैलरी है वो हमें दे दे, और जितनी बची हुई सैलरी है, और फिर बंद में जो सैलरी जो रेगुलराइजेशन होना चाहिए, तो बस ये 2 ही मांग।